फीस जो बताए हैं आप लोग को वो कंबाइंड फीस है, जो कमेंट आ रहा था ध्यान रखिएगा, दोनों का मिला के है, सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों का मिलाकर है। चलिए देखेंगे, कल बताया था पूरा सिलेबस आप लोग को, सहायक शिक्षक में क्या क्या कवर करना है और सहायक शिक्षक में क्या क्या कवर करना है और शिक्षक में क्या क्या कवर करना है, कल सारी बातें समझाया था आपको। तो सिलेबस पे चर्चा कल हो गई थी, सहायक शिक्षक में 30 प्रश्न आएगा 150 में से गणित का, और शिक्षक में 15 प्रश्न आएगा 150 में से। बहुत बड़ा सिलेबस है, समय लगेगा खत्म करने में, आराम से पूरे बेसिक कंसेप्ट के साथ खत्म करेंगे। संख्या स्टार्ट किए थे, संख्या क्या है आपने समझा था, संख्या के क्लासिफिकेशन को, संख्या के वर्गीकरण को आपने समझा था, संख्या कितने प्रकार की होगी, कैसे कैसे संख्या का वर्गीकरण होता है, ये आपने समझा था। कुछ प्रश्न भी कराऊंगा आज, इस प्रकार के स्टेटमेंट वाले कुछ प्रश्न आपको आज के लेक्चर में दिखाई देंगे, बहुत अच्छे प्रश्न है। तो ये कुछ स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी लेकर आया हूं मैं, बहुत अच्छे प्रश्न है। स्टेटमेंट वाले प्रश्न होते हैं क्योंकि संख्याओं पर स्टेटमेंट वाले प्रश्न ही बनते हैं, जो कि केवल संख्या की परिभाषा पर आधारित होते हैं। संख्याओं को पढ़ लेंगे तो आसानी से आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। देखिए कुछ प्रश्न है ये, इन सारे प्रश्नों को आज के क्लास में डील करेंगे और सारे प्रश्न बहुत आसानी से बन जाएंगे। जो तो 6 प्रश्न है, इन 6 के 6 प्रश्नों को आज क्लास में डील करेंगे, आसानी से बनेंगे ये प्रश्न। लेकिन इससे पहले आपको सारी संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए, सारी संख्याओं की। तो कल आपको समझाया था सबसे पहले संख्या की परिभाषा, फटाफट देख लो एक बार, कल आपने सबसे पहले संख्या की परिभाषा को समझा था। संख्या की परिभाषा क्या थी, तो संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। संख्या की परिभाषा को आपने समझा था कल, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। इसके बाद संख्या के क्लासिफिकेशन को, संख्या के वर्गीकरण को आपने समझा था। संख्या 2 प्रकार की होगी आपने समझा था, एक होती है वास्तविक संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रियल नंबर, और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इमेजिनरी नंबर। तो संख्या मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इसके अलावा संख्या का कोई तीसरा प्रकार नहीं होता है, एक और होता है दोनों को मिलाकर जो संख्या बनती है, लेकिन मुख्यतः संख्या को 2 पार्ट में ही तोड़ा जाता है, या तो संख्या होगी वास्तविक या तो होगी काल्पनिक। अब आपने सिलेबस देखा था, काल्पनिक संख्या सिलेबस में नहीं है, यहां तक सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के किसी भी एग्जाम में काल्पनिक संख्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिर भी मैंने समझाया था, काल्पनिक संख्या का मतलब जो केवल कल्पना में हो, इमेजिनेशन में हो, जिसका रियल लाइफ में कोई उपयोग ना हो। कैसे पहचानेंगे, तो कल बताया था वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में कोई संख्या है तो इन संख्याओं को आप क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या, वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में। या फिर आपने समझा था आई का मतलब आयोटा या इमेजिनरी नंबर जिसका वैल्यू होता है वर्गमूल -1। तो आपने यहां पर समझा था कि वर्गमूल -2 को मैं तोड़ सकता हूं वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल -1 में, वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 लिखा और वर्गमूल -1 को क्या लिख दिया, आई। तो काल्पनिक संख्या या तो इस प्रकार से दिखाई देंगी या तो आई के रूप में दिखाई देंगी, जहां पे आई का मान क्या होता है, वर्गमूल -1 होता है। ये आपने समझा था, जैसे वर्गमूल -3 को मैं तोड़ दूंगा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल -1 में, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 लिखूंगा और वर्गमूल -1 को क्या लिखूंगा, आई, आयोटा, इमेजिनरी नंबर। सिलेबस में नहीं है फिर भी आप ध्यान रखिएगा, काल्पनिक संख्या बोलते किसको है, तो जो केवल कल्पना में हो, इमेजिनेशन में हो, जिसका रियल लाइफ में कोई उपयोग ना हो, वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में जो संख्याएं होंगी इनको बोलेंगे काल्पनिक संख्या, या आई के रूप में जो संख्याएं होंगी इनको बोलेंगे आप काल्पनिक संख्या, जहां आई का मान क्या होता है, वर्गमूल -1। सिलेबस में आपके नहीं है, लेकिन ये इसको छोड़कर जो भी आपके सिलेबस में है, जो आपको डील करना है, वो पूरी की पूरी क्या है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अब आपको समझाया था वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है,
एक होती है परिमेय संख्या जिसको बोलते हैं रैशनल नंबर, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। कहने का मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को संयुक्त रूप से क्या बोल सकता हूं मैं, वास्तविक। एकदम क्लियर है, देखो कितना आसान कंसेप्ट हो जाएगा आपके लिए। काल्पनिक आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में केवल क्या है, वास्तविक। और वास्तविक कितने प्रकार की, दो प्रकार की। कहने का मतलब आपके सिलेबस में जो भी संख्या आएगी या तो वो परिमेय होगी या तो अपरिमेय, क्योंकि केवल क्या पढ़ना है आपको, वास्तविक। वास्तविक दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। मतलब आपके सिलेबस में कोई भी संख्या दिखाई दी आपको, मतलब या तो वो परिमेय है या तो वो अपरिमेय। आगे क्लासिफिकेशन आपने देखा था, परिमेय संख्या तीन प्रकार की। पहली थी प्राकृत संख्या जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, दूसरी थी पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं होल नंबर, और तीसरी थी पूर्णांक संख्या इसको बोलते हैं इंटीजर्स। इसके बाद आपने समझा था कि पूर्णांक संख्या तीन प्रकार की होती है, एक होती है ऋणात्मक पूर्णांक, एक होती है शून्य पूर्णांक, और एक होती है धनात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या तीन प्रकार की, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। प्राकृत संख्या को आपने समझा था, प्राकृत संख्या कितने प्रकार की थी, दो प्रकार की। एक थी संप्राकृत संख्या, संप्राकृत संख्या इसको बोलते हैं इवन नेचुरल नंबर, और दूसरी थी विषम प्राकृत संख्या इसको बोलते हैं ऑड नेचुरल नंबर। ये संख्या का क्लासिफिकेशन आपने देखा था। एक एक संख्या को डिटेल में पढ़ेंगे और उनपे आधारित प्रश्नों के उत्तर देंगे आप लोग। ये जितने भी प्रश्न मैं लेकर आया हूं आज, उन सारे प्रश्नों के आंसर आप ही लोग देंगे। लेकिन संख्या मैं पहले बता दे रहा हूं किस संख्या की क्या परिभाषा है, कौन सी संख्या कहां से स्टार्ट होती है। इसके अलावा और भी संख्याएं हैं, एक होती है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर बोलते हैं इसको, दूसरी होती है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर बोलते हैं इसको। अभाज्य संख्या पे व्यापम हमेशा से प्रश्न पूछता आया है। और भी संख्याएं आगे चलकर मिलेंगी, भिन्न संख्या जिसमें उचित भिन्न होता है, अनुचित भिन्न होता है, मिश्रित भिन्न होता है, वो सब आगे चलकर देखेंगे। फिलहाल ये जितनी भी संख्याएं आपके सामने लिखी है इनको कवर करना है। तो फटाफट देख लो संख्या की परिभाषा, साथ में ही याद करते चलो ताकि आपको बहुत ज्यादा मैथ घर में जाके पढ़ना ना पड़े। एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, पूरा क्लियर होगा आपको। तो संख्या की परिभाषा, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग मापने में, मेजरमेंट में, गिनने में, काउंटिंग में, और भी इत्यादि चीजों में इसका यूज करते हैं। और भी चीजों में करते हैं, तो आपने लिख दिया था मापने में, गिनने में, इत्यादि चीजों में। संख्या मुख्यतः दो प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपने समझा था काल्पनिक किसको बोलते हैं, तो वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में संख्या होगी या तो आई के रूप में जो संख्या होगी इसी को बोलेंगे काल्पनिक, जहां पे आई का वैल्यू क्या होता है, वर्गमूल माइनस एक। काल्पनिक को छोड़कर सारी संख्याएं क्या होंगी, वास्तविक। वास्तविक संख्या दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या तीन प्रकार की, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। पूर्णांक संख्या तीन प्रकार की, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। और प्राकृत संख्या दो प्रकार की, संप्राकृत और विषम प्राकृत। एक एक करके सारी संख्याओं को देखेंगे, जैसे प्राकृत संख्या देखेंगे, उसके बाद प्राकृत संख्या का ये प्रश्न देखेंगे जिससे उस संख्या के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न है, जैसे पूर्ण संख्या का एक प्रश्न है, पूर्णांक संख्या का एक प्रश्न है, तो ऐसे स्टेटमेंट वाले प्रश्न करने से आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, उस संख्या को लेकर आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर रहेगा। अब एक एक करके सारी संख्याओं को देखेंगे, इसको लास्ट में बताऊंगा भाज्य और अभाज्य। ये सारी संख्याएं पहले कवर करेंगे, उसके बाद आएंगे भाज्य में और अभाज्य में। तो सबसे पहले लिखेंगे आप प्राकृत संख्या। विभाज्य मतलब, देखो अभाज्य, विभाज्य, विभाज्य का मतलब भाज्य ही होता है, अभाज्य और विभाज्य बोलते हैं ना, तो
अभाज्य तो अभाज्य ही है, विभाज्य मतलब भाज्य ही होता है, विभाज्य मतलब जो भाग जाए, अभाज्य मतलब जो भाग ना जाए, तो विभाज्य मतलब भाज्य ही होता है, उसको अलग से लिख दिया है वो सिलेबस में विभाज्य। सबसे पहले लिखेंगे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या पता है कहां से स्टार्ट होता है, वन से स्टार्ट होता है, सबको पता होगा ये कहां से स्टार्ट होता है। प्राकृत संख्या लिखिए परिभाषा, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, the numbers which are used for counting, natural numbers बोलते हैं इसको। वंदना ये दोनों का कॉमन चल रहा है, सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों का कॉमन है, ये जो संख्या पढ़ रहे हो आप ये तो सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों में ही पढ़ना है आपको, ये सब कॉमन चलेगा अभी। वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, इनको बोलते हैं आप प्राकृत संख्या, सिंपल सी परिभाषा है, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। अब गिनने के काम में आ रही है तो स्टार्ट कहां से होंगी, एक से, क्योंकि किसी भी वस्तु को आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो कहां से करेंगे, एक से। जैसे चेयर्स यहां पे रखी हुई हैं, इनको काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो वन से करेंगे, विद्यार्थियों की संख्या को काउंट करना स्टार्ट करूंगा तो एक से करूंगा, कोई भी वस्तु जो आपके पास है अगर आप उसको गिनना स्टार्ट करेंगे तो कहां से करेंगे, वन से। तो परिभाषा क्या है, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, द नंबर्स व्हिच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग। अब किसी भी वस्तु को आप गिनना स्टार्ट करेंगे तो एक से करेंगे, इसीलिए प्राकृत संख्याएं कहां से आरंभ होती हैं, एक से, कहां तक जाएंगी नहीं पता है, इसीलिए आप उसको क्या बोल देते हैं, अनंत। अनंत कोई नंबर नहीं है, जहां तक आपकी पहुंच ही ना हो उसी को क्या बोलते हैं आप, अनंत। सिंपल सी परिभाषा, और परिभाषा से ही आपको समझ में आ रहा है कि प्राकृत संख्याएं कहां से आरंभ होंगी, एक से। किसी भी वस्तु को आप गिनना स्टार्ट करो, चेयर्स रखी है उसको गिनना स्टार्ट करो, विद्यार्थियों की संख्या को गिनना स्टार्ट करो, वस्तु सजीव हो या निर्जीव हो गिनना स्टार्ट करेंगे तो कहां से करेंगे, एक से। इसीलिए प्राकृत संख्याएं एक से आरंभ होंगी, कहां तक जाएंगी नहीं पता है तो उसको आप क्या ले लिए, अनंत। तो सबसे छोटी या पहली प्राकृत संख्या क्या होगी, एक, इस बात का ध्यान रखेंगे, सबसे छोटी या पहली प्राकृत संख्या क्या होगी, एक होगी। अब इसके बाद मेरे को ये बताओ, दशमलव में जो संख्याएं मैं लिख रहा हूं, ये देखिए, ये जो दशमलव में संख्याएं मैं लिखा हूं, क्या ये संख्याएं प्राकृत संख्या में शामिल होंगी, दशमलव में जो संख्याएं मैं लिखा हूं 2.5 3.4 1.6 5.8 होगी या नहीं होगी, ऑनलाइन में कमेंट करेंगे, देख रहा हूं कमेंट में आप लोग के, बहुत लोगों का यस और बहुत लोगों का नो भी आ रहा है, बताइए होगी क्या, नहीं होगी, ये संख्याएं प्राकृत संख्या में शामिल नहीं होंगी। आप खुद सोचो ना, मैं बोल रहा हूं गिनने के काम में जो संख्याएं आएंगी उसी को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। अब चेयर्स को काउंट करेंगे तो आप ऐसा बोलेंगे क्या, 2.5 चेयर्स हैं, 2.5 विद्यार्थी हैं, 2.5 लड़के हैं, 3.4 लड़कियां हैं, ऐसा बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। काउंटिंग मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग में कभी भी ये दशमलव वाली संख्याएं आप यूज नहीं करते हैं। आप चेयर्स को काउंट करो, आप कभी ऐसा नहीं बोलोगे 2.5 चेयर्स हैं, 3.4 चेयर्स हैं, 1.6 चेयर्स हैं, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे आप। तो दशमलव वाली संख्याएं प्राकृत संख्या में शामिल नहीं होंगी, क्लियर है। पहली बात, परिभाषा आपने क्या समझी, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती है, द नंबर्स विच आर यूज फॉर काउंटिंग। अब किसी भी वस्तु को, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, किसी भी वस्तु को अगर आप काउंट करेंगे, सजीव हो या निर्जीव हो, किसी भी वस्तु को आप काउंट करेंगे कहां से करेंगे, एक से। चेयर्स है, एक से काउंट करेंगे, विद्यार्थी बैठे हैं, एक से ही काउंट करेंगे आप, लड़कों की संख्या एक से काउंट करेंगे, लड़कियों की संख्या एक से काउंट करेंगे, मेरे पास ये पेन बहुत सारी है कहां से काउंट करूंगा, एक से। सिंपल सी बात है, या तो कोई वस्तु मेरे पास होगी या तो नहीं होगी, अगर कोई वस्तु मेरे पास है तो वो कहां से स्टार्ट होगी, एक से। इसीलिए प्राकृत संख्याएं हमेशा एक से आरंभ होती है, दशमलव वाली संख्याएं इनमें शामिल नहीं होंगी।
समझ आया यहां तक? चलो, इसी पे आधारित ये प्रश्न है। सिद्धांत अभी आऊंगा अपरिमेय संख्या में, चिंता मत करिए, सारी संख्याएं होंगी, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सारी संख्याएं होंगी। ये प्रश्न है, पढ़िए इसको और जवाब दीजिए, ये पीपीटी आपको मिल जाएगा। तो अभी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, स्टेटमेंट वाले प्रश्नों को देखो और सोचो। प्राकृत संख्या के संदर्भ में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। पहला है अधिकतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है, दूसरा है न्यूनतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है, तीसरा है दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के मध्य सदैव एक प्राकृत संख्या होती है। ऑप्शंस है केवल कथन दो सत्य है, केवल कथन दो और तीन सत्य है, सभी कथन सत्य हैं, इनमें से कोई नहीं। अच्छा प्रश्न है। अब आपने केवल प्राकृत संख्या को यह समझा है कि एक से स्टार्ट होती है, लेकिन ये प्रश्न प्राकृत संख्या का ही है। देख पा रहा हूं कमेंट सी ए बी सब आ जा रहा है आप लोग का, ऑप्शन ए, कुछ लोग का बी, कुछ लोग का सी, कुछ लोग का ए, डी को छोड़कर बाकी सब आंसर आ चुके हैं। अब डी इनमें से कोई नहीं है, इसीलिए उसको आंसर टिक नहीं कर रहे हो। सी मैक्सिमम सी वाले हैं, मैक्सिमम सी वाले हैं, कुछ लोग डी वाले भी आ गए हैं, कुछ लोग ए वाले भी हैं, कुछ लोग बी वाले भी हैं। ये समस्या आती है। आपने प्राकृत संख्या को पढ़ तो लिया है, ये देखो प्राकृत संख्या को आपने पढ़ तो लिया है कि कहां से स्टार्ट होती है, एक से, लेकिन प्रश्न प्राकृत संख्या का ही है, प्राकृत संख्या का ही प्रश्न है। ये क्या आंसर होगा, क्या लगता है, जो लगता है वो बताओ। डी, बी केवल कथन दो और तीन सत्य हैं, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए होगा, केवल कथन दो सत्य है। कैसे होगा देखते हैं। चलो, प्राकृत संख्या के संदर्भ में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। तो संख्या कौन सी है, प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। अधिकतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है, अधिकतम क्या मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम, मैक्सिमम नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में रहने का मतलब क्या, एग्जिस्ट करता है। और दूसरा कथन क्या है, न्यूनतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है, मतलब मैक्सिमम नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है और लीस्ट नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है। तो आप नेचुरल नंबर को देखोगे तो कहां से स्टार्ट होता है, एक से। तो न्यूनतम प्राकृत संख्या तो अस्तित्व में रहती है, क्योंकि आप चेयर्स को काउंट करेंगे एक से, लड़कों की संख्या को काउंट करेंगे एक से, लड़कियों की संख्या को काउंट करेंगे एक से, मतलब न्यूनतम प्राकृत संख्या तो अस्तित्व में रहती है। लेकिन अधिकतम प्राकृत संख्या क्या होती है पता है क्या, नहीं पता है। मैं बोला काउंटिंग स्टार्ट करो, एक से करोगे स्टार्ट, बचपन से भी पढ़े हो, एक से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, एक दो तीन चार पांच छह, कहां तक जाओगे बताओ मेरे को, पता ही नहीं कहां तक जाओगे। आप बोलोगे सौ, सौ के बाद हजार आएगा, हजार के बाद लाख आएगा, लाख के बाद करोड़ आएगा, करोड़ के बाद अरब आएगा, खरब आएगा, कहां पहुंचोगे, एंड पॉइंट क्या है पता है क्या आपको, नहीं पता। पूरा जीवन निकल जाएगा काउंट करते ही रह जाएंगे, लेकिन फिर भी अंतिम छोर में नहीं पहुंच पाएंगे। आपको इधर वाला छोर तो पता है क्या है, एक, लेकिन इधर वाला छोर पता है क्या, नहीं पता। इसका मतलब अधिकतम प्राकृत संख्या एग्जिस्ट ही नहीं करती है, समझ आ रहा है। अधिकतम प्राकृत संख्या क्या है बताओ, नहीं बता सकते आप। अनंत कोई नंबर थोड़ी है, अनंत का मतलब क्या, जहां तक मेरी पहुंच ही नहीं है उसी को मैं क्या बोलता हूं, अनंत, समझ आ रहा है, जहां तक मेरी पहुंच ही नहीं है। तो मैं प्राकृत संख्या को एक से स्टार्ट किया, लेकिन कहां तक जाऊंगा मेरे को पता है क्या, नहीं पता है। आप बोलेंगे सौ तक जाऊंगा सर, सौ के बाद हजार आएगा, हजार के बाद काउंटिंग आगे बढ़ाओ लाख आएगा, लाख के बाद करोड़ आएगा, अरब आएगा, खरब आएगा, पता ही नहीं कहां तक जाना है। पूरा जीवन निकाल दोगे तो भी आप अंतिम छोर में नहीं पहुंच पाओगे। इसका मतलब अधिकतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है गलत है, न्यूनतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है सही। क्लियर है ये दोनों। अगला देखो,
थर्ड ऑप्शन क्रमागत का मतलब होता है कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, समझ आ रहा है, क्रमागत मतलब क्रम से, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के मध्य, क्रमागत का मतलब होता है कंसेक्यूटिव, समझ आ रहा है, सक्सेसिव या कंसेक्यूटिव, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के मध्य सदैव एक प्राकृत संख्या होती है। दो क्रमागत प्राकृत संख्या का मतलब एक और दो, पांच और छह, दस और ग्यारह, पंद्रह और सोलह, समझ आ रहा है, बीस और इक्कीस, ये सब क्या है, दो क्रमागत प्राकृत संख्या। दो क्रमागत का मतलब लाइन से दो ठो, पचास इक्यावन, एक सौ एक, एक सौ दो, संतानवे अंठानवे, पैतालीस छियालीस, एक दो तीन चार, दस ग्यारह, ये सब क्या है, दो क्रमागत प्राकृत संख्या। अब आप खुद बताओ, दो क्रमागत प्राकृत संख्या के मध्य कोई प्राकृत संख्या होगी क्या? नहीं। एक और दो के बीच कोई प्राकृत संख्या होगी क्या? नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था दशमलव वाली संख्याएं प्राकृत संख्या में शामिल नहीं होती। तो एक और दो के बीच कोई प्राकृत संख्या नहीं होगी, पांच और छह के बीच कोई प्राकृत संख्या नहीं होगी, इसका मतलब दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के मध्य कोई प्राकृत संख्या नहीं होती है, ये भी क्या हो गया, गलत। तो केवल कथन दो सत्य है, याद रहेगा, समझ आया सबको, ऑनलाइन में समझ आया आप लोग को, जल्दी बताओ। तीनों कथन क्लियर है ना, तो डाउट कहीं पर नहीं होना चाहिए, केवल इतनी जानकारी सफिशियंट नहीं है, इसीलिए कुछ कुछ प्रश्न में लेकर आया साथ में, जिससे कंप्लीट नॉलेज आपको हो जाए प्राकृत संख्या के संदर्भ में, आपको कंप्लीट जानकारी हो गई है। तो क्या क्या जानकारी हो गई, न्यूनतम प्राकृत संख्या एक या पहली प्राकृत संख्या एक, अधिकतम मेरे को नहीं पता है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, अनंत जहां तक मेरी पहुंची नहीं है उसी को बोलते हैं अनंत, कोई नंबर नहीं होता है, इसका मतलब न्यूनतम अस्तित्व में है, अधिकतम अस्तित्व में नहीं है। चूंकि दशमलव वाली संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती हैं, इसीलिए दो क्रमागत प्राकृत संख्या के बीच में कोई प्राकृत संख्या नहीं होगी, समझ आ रहा है। अरे परिमेय और अपरिमेय बाद में आएंगे यार, मैं पढ़ा रहा हूं ऐसा पढ़ो यार, पहले थोड़ी पढ़ाऊंगा परिमेय संख्या को यार, उसके लिए पहले आपको पूर्णांक पता होना चाहिए, सीक्वेंस मेरे को पता है यार, मैं पढ़ा लूंगा अच्छी से, सीक्वेंस पढ़ाने का मेरे को पता है, मैं पढ़ा लूंगा, चिंता मत करिए, कुछ छूटेगा नहीं, फिर आप बता ही नहीं सकते, वो स्टेटमेंट ही क्या है, कंप्लीट नहीं है। क्रमागत नहीं बोलेगा, दो प्राकृत संख्याओं के मध्य सदैव एक प्राकृत संख्या होती है, ये स्टेटमेंट ही अपने आप में क्या है, अधूरा है। अब दो प्राकृत संख्याएं तो दो और दस भी है, इसके बीच में तो बहुत सारी प्राकृत संख्याएं हैं, तो स्टेटमेंट ही क्या है, अधूरा है, वो स्टेटमेंट ही अधूरा है, स्टेटमेंट अधूरा हो जाता अगर क्रमागत नहीं लिखता, तो स्टेटमेंट वो अधूरा हो जाता, समझ आ रहा है, स्टेटमेंट अधूरा हो जाता, क्योंकि दो प्राकृत संख्याएं पांच और पचास भी है, दो प्राकृत संख्याएं सौ और एक हजार भी है, स्टेटमेंट ही अधूरा हो जाएगा, वो बन जाएगा यहां तक। सीक्वेंस मेरे को पता है, आपको लग रहा होगा पहले परिमेय को पढ़ाओ फिर आओ परिमेय को, तो ऐसा सीक्वेंस नहीं होता है, पहले इनको ही पढ़ा जाता है, उसके बाद कहां से हो आप परिमेय, सीक्वेंस में पढ़ा लूंगा इतना जानकारी मेरे को है, उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए कि पहले ये पढ़ाओ पहले वो पढ़ाओ, मैं पढ़ा लूंगा, आप डेमो देख लीजिए, अभी तो फीस भी नहीं दी हो ना, डेमो देख लीजिए आप, आपको पूरे लेक्चर में सारी संख्याएं मिल जाएंगी, सारी संख्याएं, एकदम भी चिंता मत करिए, मैं पढ़ा लूंगा क्या सीक्वेंस होगा, किस प्रकार बताना है, मैं एक सीक्वेंस से ही पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहले सीक्वेंस में किसको पढ़ते हैं, प्राकृत संख्या को पढ़ते हैं, कंप्लीट हो गया प्राकृत संख्या आपका, बन जाएगा। चलिए अगला जाइए पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर, लिखेंगे, यदि प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए, यदि प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बनती है, यदि प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बनती है। इफ जीरो इज इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर,
बहुत बढ़िया, जीरो से चालू होगा। इफ जीरो इज इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर, यदि प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बनती है। सिंपल सी परिभाषा, आपको केवल यह समझना है कि प्राकृत संख्या में किसको मिला दिया हूं मैं, जीरो को, और कोई इसमें अपने मन से ऐड नहीं करना है आपको। प्राकृत संख्या आपने पढ़ी है, उसमें जीरो को मिला दो तो क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या। समझ आ रहा है? कहने का मतलब दशमलव वाली संख्याएं यहां पे भी शामिल नहीं होंगी, दशमलव वाली संख्याएं यहां पर भी शामिल नहीं होंगी, क्योंकि प्राकृत संख्या में दशमलव वाली संख्या शामिल थी क्या, नहीं, केवल इसमें जीरो को मिला दिए हो आप। यहां पे सबसे छोटी या पहली पूर्ण संख्या क्या होगी, जीरो। ये गलतियां होती है, सबसे छोटी या फिर पहली पूर्ण संख्या क्या होगी, जीरो होगी। यहां पे गलतियां होती है तो ध्यान रखेंगे, सबसे छोटी या पहली पूर्ण संख्या क्या होगी, जीरो होगी। कैसे गलतियां होती हैं, जैसे आपसे मैं पूछा प्रथम पांच प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम पांच प्राकृत संख्याओं का योग, और यहीं पे एक और प्रश्न पूछ लिया आपसे मैं प्रथम पांच पूर्ण संख्याओं का योग, प्रथम पांच पूर्ण संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट फाइव होल नंबर्स। तो प्रथम पांच प्राकृत संख्याएं एक दो तीन चार पांच, इसका योग निकाल दीजिए आप, कितना जाएगा, पंद्रह। कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे आगे चलकर, अभी मैं प्रश्न में आ ही नहीं रहा हूं, जो इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसमें नहीं आ रहा हूं। मैं केवल आपको समझाना चाहता हूं कौन सी संख्या कहां से स्टार्ट होगी, क्या गलतियां हो सकती है। तो प्रथम पांच प्राकृत संख्याओं का योग, तो प्रथम पांच प्राकृत संख्याएं इनको जोड़ दिए कितना आ गया, पंद्रह। लेकिन यहां पर पहली पूर्ण संख्या जीरो, दूसरी पूर्ण संख्या एक, तीसरी पूर्ण संख्या दो, चौथी तीन, पांचवी चार। समझ आ रहा है? यहां पर डिफरेंस आ गया, देखो प्रथम पांच पूर्ण संख्याओं का योग कितना हो गया, दस। औसत में प्रश्न आएगा ये, तो आपको पता तो होना चाहिए कि पूर्ण संख्याएं कहां से आरंभ होती हैं और प्राकृत संख्याएं कहां से आरंभ होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बोला प्रथम 25 प्राकृत संख्याएं, प्रथम 25 प्राकृत संख्याएं, कहने का मतलब एक से 25, लेकिन मैं बोला प्रथम 25 पूर्ण संख्याएं, तो जीरो से 24, ये गलतियां होती है, जीरो से 24, क्योंकि पहली पूर्ण संख्या जीरो तो 25वीं पूर्ण संख्या 24। अगर मैं बोला प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो एक से 25 तक की संख्याओं का औसत। मैं बोला प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का औसत, तो जीरो से 24 तक की संख्याओं का औसत। गलतियां होती हैं, औसत में प्रश्न आया है बहुत बार, तो आपको पता होना चाहिए पहली पूर्ण संख्या जीरो तो 25वीं पूर्ण संख्या 24, पहली प्राकृत संख्या एक तो 25वीं प्राकृत संख्या 25, बन जाएगा। अगर मैं बोला 15वीं प्राकृत संख्या 15, लेकिन 15वीं पूर्ण संख्या 14, बन जाएगा। समझ आया भाई? ऑनलाइन में ये गलतियां होती है, इसीलिए पहले ही मैं बात कर रहा हूं, एकदम बेसिक चीजों पर बात कर रहा हूं, क्योंकि ये गलतियां हमेशा होती है बच्चों से। ये प्रश्न आ जाएगा प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालो, तो एक से 25 ले लेते हैं, कभी कभी जीरो से ही 25 ले लेते हैं वो, तो जीरो भी अपने आप में क्या है, संख्या है। तो पहली पूर्ण संख्या जीरो तो 25वीं पूर्ण संख्या 24, पहली पूर्ण संख्या जीरो तो 50वीं पूर्ण संख्या 49, 50वीं प्राकृत संख्या 50, बन जाएगा। चलो एक प्रश्न लेते हैं, इसमें सिंपल सा प्रश्न है, एकदम सिंपल सा, कुछ कथन दिए गए हैं, दो कथन हैं, एकदम आसान सा प्रश्न है, ये तो सभी से बनना चाहिए, बनाओ। प्रत्येक का मतलब सभी क्या होगा, ऑप्शन बी, प्रत्येक का मतलब सभी, ये तो आसान है, बनना चाहिए भाई। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, आएगा भी, कोई डाउट तो नहीं किसी को। प्रत्येक का मतलब क्या, सारी की सारी,
प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या बोलने का मतलब क्या, जीरो से लेके कहां तक जाएगा, अनंत तक। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, गलत हो गया ना, क्यों, क्योंकि ये भी तो पूर्ण संख्या है लेकिन ये प्राकृत नहीं होता है, तो सारी की सारी पूर्ण संख्याओं को मैं प्राकृत नहीं बोल सकता, लेकिन प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण होती है, बिल्कुल। ये देखिए सारी की सारी प्राकृत संख्या क्या होंगी, पूर्ण होंगी, तो दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बन जाएगा। तो पहला जो कथन था वो गलत है, दूसरा कथन सही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, केवल कथन दो सत्य है। समझ आ रहा है, जैसे ही बोला प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब सारी की सारी, प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या बोलने का मतलब जितनी भी पूर्ण संख्या होती है तुरंत आपके दिमाग में आनी चाहिए, ये प्रत्येक पूर्ण संख्या की बात कर रहा हूं मैं, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक मतलब ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, जैसे प्रत्येक विद्यार्थी मतलब आप भी, आप भी, आप भी, सब आ जाएंगे, समझ आ रहा है, प्रत्येक विद्यार्थी ने अच्छा स्कोर किया मतलब सारे के सारे विद्यार्थी ने अच्छा स्कोर किया है, तो प्रत्येक मतलब एवरी, प्रत्येक पूर्ण संख्या मतलब सारी पूर्ण संख्याओं की बात कर रहा है, क्या सारी पूर्ण संख्याओं को आप प्राकृत का नाम दे सकते हो, नहीं, जीरो विवाद करेगा, जीरो को प्राकृत संख्या का नाम नहीं दे सकता, गलत हो गया, लेकिन क्या सारी प्राकृत संख्याओं को, प्रत्येक प्राकृत संख्या मतलब ये, क्या सारी की सारी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या का नाम दे सकता हूं, दे सकता हूं, क्योंकि ये सारी की सारी पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बन जाएगा, केवल कथन दो सत्य है। बढ़े आगे, ये हो गया आपका प्राकृत संख्या और दूसरा हो जाएगा आपका पूर्ण संख्या, तीसरा लिखिए पूर्णांक संख्या। तीसरा लिखिए पूर्णांक संख्या, लिखेंगे इंटीजर्स बोलते हैं इंग्लिश में, लिखेंगे पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या ही होती है, पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या ही होती है, इंटीजर्स आर दी होल नंबर्स, पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या ही होती है, इंटीजर्स आर दी होल नंबर्स, पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या ही होती है जो ऋणात्मक शून्य तथा धनात्मक होती है, जो ऋणात्मक शून्य तथा धनात्मक होती है, पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या ही होती है जो ऋणात्मक शून्य तथा धनात्मक होती है, इंटीजर्स आर दी होल नंबर्स विच कैन बी नेगेटिव जीरो एंड पॉजिटिव, विच कैन बी नेगेटिव जीरो एंड पॉजिटिव, तो पूर्णांक संख्या पूर्ण होती है जो ऋणात्मक भी होती है, ये देखिए शून्य भी होती है और धनात्मक भी होती है, इसको बोलेंगे आप ऋणात्मक पूर्णांक, इसको आप नाम देंगे ऋणात्मक पूर्णांक का, इसको आप बोलते हैं शून्य पूर्णांक और इसको आप बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक में सब कुछ आ जाएगा, ध्यान रखेंगे पूर्णांक में सारा कुछ आएगा, ऋणात्मक भी, शून्य भी और धनात्मक भी, ये हो जाएगा पूर्णांक, नेगेटिव भी आता है इसमें, जीरो भी और पॉजिटिव भी, दशमलव वाली संख्याएं यहां पर भी शामिल नहीं होंगी, हाँ दोनों साइड, इधर भी कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, समझ आ रहा है, और इधर भी कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, समझ आ रहा है। ये जो बचपन में आपने स्केल पढ़ा होगा, देखो याद है, यहाँ जीरो, यहाँ प्लस वन, यहाँ प्लस टू, यहाँ प्लस थ्री, यहाँ माइनस वन, यहाँ माइनस टू, यहाँ माइनस थ्री, इनको क्या बोलूंगा मैं, ऋणात्मक पूर्णांक, ये क्या है, शून्य पूर्णांक, और ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक। अच्छा ये भी तो पढ़े होगे ना आप, लेफ्ट से राइट जाने पर वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, लेफ्ट से राइट जाने पर वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तभी तो आप प्लस दो और प्लस तीन में बड़ा किसको बोलते हैं, प्लस तीन को, जीरो और एक में बड़ा किसको बोलते हैं, एक को, माइनस एक और जीरो में बड़ा किसको बोलते हैं, जीरो को, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। माइनस दो और माइनस एक में बड़ा क्या होगा, माइनस एक। माइनस दस और माइनस पंद्रह में बड़ा क्या होगा, माइनस दस, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। इन दोनों में देखेंगे तो बाएं से दाएं चलने पर वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी,
माइनस में संख्या जितनी बड़ी वो उतनी ही छोटी, ऐसा भी सोच सकते हो आप, माइनस में संख्या जितनी बड़ी वो उतनी ही छोटी हो जाएगी, बन जाएगा। जब प्रश्न करेंगे तो ऐसे स्टेटमेंट आएंगे, ये देखिए कराऊंगा प्रश्न, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डेटा। n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो कोई डेटा दिया रहेगा उसका वैल्यू निकालने बोलेगा, तो आपको समझना है कि n एक धनात्मक पूर्णांक है इसका मतलब n का वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। यदि n एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है तो n का वैल्यू इसमें से कुछ भी हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता और धनात्मक नहीं हो सकता। यदि n एक शून्य पूर्णांक संख्या है तो n का वैल्यू क्या होगा, शून्य होगा। तो प्रश्न में ऐसे स्टेटमेंट आएंगे, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, n एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, n एक शून्य पूर्णांक संख्या है, ऐसे स्टेटमेंट आएंगे, वो बनने चाहिए आपसे। वहां पे ये पता होना चाहिए कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, प्राकृत क्या होता है, पूर्ण क्या होता है, ये पता होना चाहिए, बन जाएगा। तो प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, पूर्ण संख्या 0 से और पूर्णांक में नेगेटिव भी आ जाएगा, एकदम आसान है, देखो ऐसे याद रहेगा। 1, 2, 3, 4, ये देखिए थोड़ा सा पीछे गए पूर्ण हो गया, थोड़ा और पीछे जाते हैं, ये देखिए थोड़ा और पीछे जाते हैं तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक। एक से स्टार्ट किए प्राकृत, थोड़ा सा पीछे गए पूर्ण, थोड़ा और पीछे गए पूर्णांक, बन जाएगा। चलो एक अच्छा सा प्रश्न है, ये बना लीजिए, बन भी जाएगा। सिद्धांत मैं ये बोल रहा था कि प्रश्न में स्टेटमेंट में कभी कभार आपको ऐसा दिया रहेगा, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो इसका मान ज्ञात करो, यदि n एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है तो उसका मान ज्ञात करो, तो आपको वहां पता होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या, ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब क्या, शून्य पूर्णांक का मतलब क्या। वो कोई प्रश्न नहीं था, मैं केवल बता रहा था कि ऐसा आपको कभी कभी दिया रहेगा प्रश्न में कि यदि n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो इसका मान ज्ञात करो, यदि n एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है तो इसका मान ज्ञात करो, यदि n एक शून्य पूर्णांक संख्या है तो इसका मान ज्ञात करो। तो आपको पता होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, शून्य पूर्णांक क्या होता है। आएगा, कुछ लोग का ये भी आ रहा है, कैसे ये आएगा, सत्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, यही सब गलतियां होती हैं, इसीलिए उसी फॉर्मेट में करा रहा हूं आपको। सत्य नहीं है मतलब गलत कथन को छाटना है, गलत कथन को, ध्यान दीजिए, ऑनलाइन में सत्य नहीं है बोला है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत वाले को छाटना है, ये गलतियां हमेशा होती हैं भाई, गलत को छाटना है, गलत। पहला देखो, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सही है, ये तो आपने पिछले प्रश्न में देखा था, प्रत्येक मतलब तुरंत दिमाग में आना चाहिए, सारी की सारी प्राकृत संख्याएं दिमाग में चल रही है, क्या इनको मैं पूर्ण का नाम दे सकता हूं, दे सकता हूं, तो पहला कथन क्या है, सही, लेकिन ये मेरा आंसर नहीं होगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है, सही हो जाएगा, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का मतलब ये, क्या ये सारी की सारी पूर्णांक के अंतर्गत आएगी, बिल्कुल आएगी, ऑप्शन बी सही है, मतलब कथन सही है, लेकिन मेरा आंसर नहीं होगा ये। प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण होती है, गलत, क्या सारी की सारी पूर्णांक, पूर्णांक में तो नेगेटिव भी आता है भाई, जीरो भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, तो क्या सारी की सारी पूर्णांक संख्याओं को, ये देखो सारी की सारी पूर्णांक संख्याओं को क्या पूर्ण संख्या का नाम दे सकते हो, नहीं, ये पूर्ण संख्या है क्या, नहीं, ये पूर्ण संख्या है क्या, नहीं, ये पूर्ण संख्या है क्या, नहीं, पूर्णांक में तो नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं लेकिन उनको मैं पूर्ण संख्या का नाम नहीं दे सकता, तो तीसरा कथन गलत है, मतलब यही मेरा क्या होगा आंसर। चौथा देख लो, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, सही है, ये पूर्णांक संख्या लिखी हुई है,
इसके अंतर्गत देख सकते हैं सारी की सारी पूर्ण संख्याएं आ रही है। तो सारी पूर्ण संख्याओं को मैं पूर्णांक बोल सकता हूं। जैसे ही बोला सभी पूर्ण संख्याएं जीरो से लेकर अनंत आपके दिमाग में छप गया, क्या ये सारी की सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक के अंतर्गत आती है? आती है। इसका मतलब मैं सारी पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक बोल सकता हूं। प्रत्येक पूर्णांक संख्या आपके दिमाग में छप गया, नेगेटिव भी जीरो भी पॉजिटिव भी, प्रत्येक पूर्णांक संख्या को क्या मैं पूर्ण बोल सकता हूं? नहीं, क्योंकि पूर्ण में नेगेटिव नहीं आता है, तो मैं सारी पूर्णांक संख्याओं को पूर्ण नहीं बोल सकता। ये कथन क्या है? गलत, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। बन जाएगा, सी आएगा। बहुत बढ़िया, जिनका डी आ रहा था समझ आया भाई? ऑनलाइन में कुछ लोगों का डी भी आ रहा था, किसी को डाउट तो नहीं है? तीनों प्रश्न देख सकते हैं, ये देखिए तीनों प्रश्न अभी तक जितना पढ़े हैं उसी पे आधारित है। ये बढ़े आगे, कोई डाउट तो नहीं है? ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं स्टेटमेंट वाले। चलो तो क्या क्या कंप्लीट हो गया देख सकते हैं आप। चलो देखते हैं क्या क्या कंप्लीट हो गया। ये आपका पूरा कंप्लीट, ये पूरा कंप्लीट हो गया। प्राकृत पढ़ लिया, पूर्णांक और पूर्ण तीनों पढ़ लिया, पूर्णांक में ऋणात्मक शून्य और धनात्मक ये भी पढ़ लिया मैंने। अब आ जाओ सम प्राकृत संख्या और विषम प्राकृत संख्या में। चलो मेरे को केवल ये बता दो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? दो की जीरो। दामिनी लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार और, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। देखो सिंपल सा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक का मतलब सारी की सारी, क्या सारी की सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? ये देखो ये प्राकृत संख्याएं हैं, सारी की सारी प्राकृत संख्याएं, ये पूर्ण होती है, क्योंकि पूर्ण क्या है? ये देखो आपने ये समझा, ये प्राकृत है, ये पूर्ण है, और ये पूर्णांक है। ये देखो अब कोई डाउट नहीं आएगा, समझ लो। मैंने बोला सारी प्राकृत संख्या पूर्ण होती है, ये रही सारी प्राकृत संख्या, तो क्या ये सारी की सारी पूर्ण के अंतर्गत आती है? आती है, सही है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है, ये प्राकृत संख्या पूर्णांक के अंतर्गत आती है? आती है, सही हो गया। प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण होती है, ये रही पूर्णांक संख्या, तो क्या ये सारी की सारी पूर्णांक संख्या पूर्ण में आती है? नहीं आती है, गलत हो गया। प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, तो ये रही पूर्ण संख्या, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है? होती है, सही हो गया। गलत कथन कौन सा है? तो गलत कथन कौन सा है? चलो सबसे छोटी सम संख्या में कुछ लोग का जीरो भी आ रहा है, जीरो होता है क्या? अच्छा माइनस टू सम संख्या होती है क्या? माइनस टू, हाँ या ना बताओ ऑनलाइन वाले, माइनस टू सम संख्या होगी कि नहीं? नहीं होगी। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे तो नहीं है, लोकल कोचिंग वालों की बुक पढ़ेंगे तो है, समझ आ रहा है? छत्तीसगढ़ में ही कुछ कोचिंग की बुक ऐसी हैं जहां पे माइनस दो माइनस चार माइनस छह को सम संख्या बोल रहा है वो। आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, आर एस अग्रवाल की हो गई, आर डी शर्मा की बुक हो गई, ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इनको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि माइनस टू सम संख्या नहीं है, और नहीं होगी यार। क्यों नहीं होगी? सबसे बड़ा कारण क्या है? प्राकृत संख्या को दो पार्ट में तोड़ रहा हूं, प्राकृत संख्या को दो पार्ट में तोड़ा, सम और विषम में। प्राकृत संख्या क्या है? एक दो तीन चार पांच, इसमें जीरो है क्या? तो सम और विषम में कहां से जीरो आएगा? इसमें नेगेटिव नंबर्स हैं क्या? तो सम और विषम में कहां से नेगेटिव नंबर्स आएगा? प्राकृत में ही जीरो नहीं होता है, तो सम प्राकृत में और विषम प्राकृत में काहे का जीरो? प्राकृत में ही नेगेटिव नंबर्स नहीं होता है, तो सम प्राकृत और विषम प्राकृत में काहे का नेगेटिव नंबर आएगा? एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, प्राकृत संख्या ये होती है जो दो से भाग जाएगा वो सम कहलाएगा, और जो दो से भाग नहीं जाएगा वो विषम। लिख लो, वे प्राकृत संख्याएं जो दो से भाग जाती है, वे प्राकृत संख्याएं जो दो से भाग जाती है, द नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई टू, द नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई टू, वे प्राकृत संख्याएं जो दो से भाग जाती हैं, वे प्राकृत संख्याएं जो दो से भाग जाती हैं, लिख लेंगे सम संख्या में, दो चार छ आठ दस,
सबसे छोटी या पहली दो है। वे प्राकृत संख्याएं जो दो से भाग जाती हैं। बन जाएगा इसमें लिखिए विषम प्राकृत संख्या में वे प्राकृत संख्याएं जो दो से भाग नहीं जाती हैं। वे प्राकृत संख्याएं जो दो से भाग नहीं जाती हैं। द नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई टू। द नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई टू। वे प्राकृत संख्याएं जो दो से भाग नहीं जाती हैं। एक तीन पांच सात नौ ग्यारह ये सब हो जाएगा विषम प्राकृत संख्या। बन जाएगा तो सबसे छोटी सम संख्या दो और सबसे छोटी विषम संख्या एक। जीरो ना तो सम ना ही विषम। नेगेटिव नंबर्स ना तो सम ना ही विषम। ये पूरा कंप्लीट यहां तक आपका। अब हेडिंग डालो परिमेय संख्या। अब हेडिंग डालो परिमेय संख्या। रैशनल नंबर आप लोग बताओ क्या होता है। पी बटे क्यू के रूप में लिखते हो उसको बोलते हो आप परिमेय संख्या। बस बस और आगे भी कुछ है। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो और कुछ। फ्रैक्शन पी बटे क्यू। पी बटे क्यू ठीक। ये बताओ कमेंट करके ऑनलाइन वाले और इधर आप लोग दो बटा तीन परिमेय संख्या है या नहीं है। दो बटा तीन परिमेय संख्या है या नहीं है। हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। है चलो सबका है में आ रहा है ये चलो ठीक है। अब रुक जाओ ऑनलाइन वाले। अगला प्रश्न है मेरा जीरो परिमेय संख्या है या नहीं। जीरो परिमेय संख्या है या नहीं है। नहीं है, है नहीं है, है ये चल रहा है। क्या होगा है है नहीं है। मैक्सिमम लोग का नहीं है नहीं है आ रहा है। क्या होगा चलो अब इसको देख के बताओ। इसको देख के बताओ क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है। इसको देख के बताओ जीरो परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी। होगी अब तो सबका है आएगा क्योंकि सारी की सारी प्राकृत संख्या क्या है परिमेय। सारी पूर्ण संख्या क्या है परिमेय। सारी पूर्णांक संख्या क्या है परिमेय। अभी तक आपने जितना पढ़ा है वो सब क्या है परिमेय ही तो है। अभी तक आपने जितना पढ़ा है वन टू थ्री फोर जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री सब क्या है परिमेय। अभी तक आपने जितना पढ़ा है वो सब परिमेय है। लिखो परिभाषा लिखो परिभाषा लिखो। वे संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में निरूपित किया जाता है। वे संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में निरूपित किया जाता है। The numbers which can be represented in the form of p by q. The numbers which can be represented in the form of p by q. वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में निरूपित किया जाता है जहां p और q पूर्णांक संख्या होती है। जहां p और q पूर्णांक संख्या होती है। Where p and q are integers. जहां P और Q पूर्णांक संख्या होती हैं, तथा Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जहां P और Q पूर्णांक संख्या होती हैं, तथा Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये कंप्लीट परिभाषा है। बचपन से पढ़ते तो आ रहे हैं P बटे Q, P बटे Q, अंश बटे हर, P बटे Q, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बोलते हैं ना इसको, अंश बटे हर को, उसी को पी बटे क्यू बोलते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन पी और क्यू क्या होगा ये नहीं पढ़ते आ रहे हो आप। यहाँ पे पी और क्यू क्या हो सकता है पूर्णांक। और पूर्णांक में आपको पता है नेगेटिव भी आएगा जीरो भी आएगा और पॉजिटिव भी आएगा। समझ आ रहा है। कंडीशन केवल क्या है पी बटा क्यू जहां पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए लेकिन एक अपवाद है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखो P का मान रखा दो Q का मान रखा तीन। दो पूर्णांक है क्या है। तीन पूर्णांक है क्या है।
दो बटा तीन इसीलिए क्या है परिमेय संख्या। पी और क्यू पूर्णांक हो जाए और क्यू जीरो ना हो, केवल इतना कंडीशन ध्यान रखो। चार बटा एक, चार पूर्णांक है क्या है, एक पूर्णांक है क्या है, तो चार बटा एक कहने का मतलब चार, ये भी क्या है परिमेय, नीचे एक का कोई अर्थ होता नहीं है इसलिए हटा दिया हो। P का मान जीरो, Q का मान दो, जीरो पूर्णांक है क्या है, दो पूर्णांक है क्या है, तो जीरो बटा दो या जीरो ये भी क्या है परिमेय संख्या। P का मान माइनस तीन, Q का मान दो, माइनस तीन भी पूर्णांक, दो भी पूर्णांक, इसीलिए माइनस तीन बटा दो परिमेय संख्या। P का मान सात, Q का मान माइनस नौ, दोनों पूर्णांक है लेकिन मैथ में जनरली ऐसा कहीं लिखा हुआ देखोगे नहीं आप। नीचे वाले माइनस साइन को कहां भेज देते हैं ऊपर, तो क्या बन जाता है ये माइनस सेवन बाई नाइन, ये भी क्या है परिमेय संख्या। मैथ में कभी ऐसा लिखा हुआ नहीं पाओगे कि नीचे नेगेटिव साइन लगा है, उसको ऊपर हमेशा ट्रांसफर करते हैं, ऊपर वाला पॉजिटिव क्या बन गया नेगेटिव माइनस सेवन बाई नाइन। सारी संख्याएं जो लिखोगे वो सब क्या है परिमेय। वन टू थ्री फोर ये तो है ही परिमेय, जीरो वन टू थ्री फोर परिमेय, सारी पूर्णांक संख्याएं भी क्या है परिमेय। इसके अलावा ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये तो परिमेय है, सारी प्राकृत संख्या परिमेय, सारी पूर्ण संख्या परिमेय, सारी पूर्णांक संख्या परिमेय, इसके अलावा ये परिमेय है, जबकि ये ना तो प्राकृत है ना ही पूर्ण ना ही पूर्णांक। तो परिमेय अपने आप में बहुत बड़ा दायरा रखता है, समझ आ रहा है। दो बटा तीन, चार बटा सात, माइनस सात बटा नौ, ग्यारह बटा तेरह, सब क्या है परिमेय है, केवल नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, यह परिभाषित नहीं होता है मैथ्स में, नीचे जीरो कहीं मिलेगा ही नहीं आपको, इसको छोड़कर जो भी लिखो सब क्या है परिमेय बन जाएगा। तो परिभाषा आसान सी है, आपने क्या बोला वे संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में निरूपित किया जाता है, जहां पी और क्यू क्या होती है पूर्णांक संख्या, जहां पी और क्यू पूर्णांक संख्या, पूर्णांक पी और क्यू हो सकता है, और पूर्णांक में तो सब आता है नेगेटिव जीरो पॉजिटिव, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे जीरो बस ना हो। दो बटा तीन दोनों पूर्णांक है इसीलिए ये परिमेय, 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 समझ आ रहा है। वन टू थ्री फोर परिमेय है ना, वन को वन बाई वन, टू को टू बाई वन, थ्री को थ्री बाई वन लिख सकता हूँ, जीरो परिमेय है, जीरो को जीरो बाई टू, जीरो बाई थ्री, जीरो बाई फोर लिख सकता हूँ, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री सब क्या है परिमेय बन जाएगा। जल्दी से एक बहुत अच्छा सा प्रश्न है बता दो आप लोग, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, यहां पे ऑप्शन डी है, क्या लिख दिया है यार, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। चलो, प्रत्येक परिमेय संख्या है एक पूर्णांक संख्या, एक प्राकृत संख्या, एक वास्तविक संख्या, एक पूर्ण संख्या, आराम से बताना सोच के। प्रत्येक परिमेय संख्या है एक पूर्णांक संख्या, एक प्राकृत संख्या, एक वास्तविक संख्या, एक पूर्ण संख्या, सी आएगा, ए नहीं आएगा, प्रत्येक परिमेय संख्या, समझ आ रहा है, सी आएगा, प्रत्येक परिमेय संख्या, अरे आपके सिलेबस में जो है वो सब क्या है वास्तविक है, बिना सोचे समझे भी टिक कर सकते थे कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगी वास्तविक। ऑप्शन ए को देखो जिसमें डाउट आ रहा है कुछ बच्चों का, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है कैसे हो जाएगा, प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आपके दिमाग में आ रहा है क्या होता है परिमेय संख्या, सर दो बटा तीन होता है, माइनस तीन बटा चार होता है, चार बटा सात होता है, माइनस सात बटा नौ होता है, जीरो होता है, वन टू थ्री ये भी होता है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ये भी होता है, ये सब की सब क्या होती है परिमेय संख्या होती है। अब देखो प्रत्येक परिमेय संख्या को पूर्णांक बोल दोगे क्या, नहीं बोल दोगे, इसको पूर्णांक बोलोगे क्या, नहीं बोलेंगे, इसको पूर्णांक बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे, इसको पूर्णांक बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे, इसको पूर्णांक बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे, ये क्या है परिमेय है ना लेकिन पूर्णांक नहीं है, दो बटा तीन पूर्णांक होगा क्या, नहीं, ये परिमेय है लेकिन पूर्णांक नहीं है, ये परिमेय है, ये परिमेय है,
इन परिमेय संख्या को आप पूर्णांक बोल दोगे, लेकिन बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या। तो प्रत्येक परिमेय संख्या मतलब जितनी भी परिमेय संख्या होती है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे नंबर सिस्टम में, क्या उनको आप पूर्णांक बोल दोगे? नहीं बोल पाओगे। मतलब पहला गलत, अब प्राकृत तो एकदम गलत हो जाएगा, फिर पूर्ण भी गलत हो जाएगा, सही क्या होगा? वास्तविक। यही तो पढ़े हैं आप, ये देखो वास्तविक संख्या कितने प्रकार की? दो प्रकार की, याद है? एक होती है क्या? परिमेय, और दूसरी क्या? अपरिमेय। कहने का मतलब जितनी परिमेय संख्या सब वास्तविक, जितनी अपरिमेय संख्या सब वास्तविक। समझ आ रहा है? जितनी परिमेय वो सब क्या होंगी? वास्तविक। सब वास्तविक है जो पढ़ना है आपको, जितनी परिमेय संख्या सब वास्तविक, जितनी अपरिमेय संख्या सब वास्तविक। बन जाएगा? अच्छा प्रश्न है, कंफ्यूजन होता है, पूर्णांक लगा के आते हैं बच्चे इसको। समझ आ रहा है? तो सोचा करो प्रत्येक परिमेय, तो आपके दिमाग में परिमेय संख्या चल रही है ये है। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है? नहीं होती है भाई, कुछ परिमेय संख्या पूर्णांक हैं, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं है, पूर्ण तो हो ही नहीं सकती, प्राकृत भी नहीं होगी। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है? वास्तविक है। बन जाएगा? चलो एक जल्दी से लिख लो, बचा है जो परिमेय हो गया, अपरिमेय को लिख लो फटाफट, खत्म हो जाएगा इधर। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर बोलते हैं इसको, लिखेंगे वे संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में निरूपित नहीं किया जाता, वे संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में निरूपित नहीं किया जाता, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। यशी, वो अपरिमेय में आएगा। वे संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में निरूपित नहीं किया जाता, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, इन्हें सामान्यतः वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है। इन्हें सामान्यतः वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है। दे आर जनरली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट। दे आर जनरली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट। दे आर जनरली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट। इन्हें सामान्यतः वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, इस पे कल बात करेंगे। और वर्गमूल दो, वर्गमूल तीन, वर्गमूल पांच, वर्गमूल छह, वर्गमूल सात, वर्गमूल आठ, ये सब क्या है? अपरिमेय। ये सब अपरिमेय संख्या है। एक बात ध्यान रखेंगे, वर्गमूल चार को अपरिमेय मत बोलना, क्योंकि वर्गमूल चार का मान दो। वर्गमूल नौ को अपरिमेय मत बोलना। वर्गमूल सोलह को अपरिमेय मत बोलना। वर्गमूल पच्चीस को अपरिमेय मत बोलना। समझ आ रहा है? ये संख्याएं क्या हो जाएंगी? परिमेय, क्योंकि इनका वर्गमूल देख पा रहे हैं प्राकृत संख्या में निकल रहा है, इनको बोलूंगा मैं क्या? अपरिमेय। अच्छा, वर्गमूल के साथ दो क्या है ना? अपरिमेय। दो को अपरिमेय नहीं बोलेंगे ना, वर्गमूल दो क्या है? अपरिमेय। देखो तीन संख्याएं हैं, दो, वर्गमूल दो और वर्गमूल माइनस दो। दो क्या है? परिमेय। ये क्या है? अपरिमेय। और ये क्या है? काल्पनिक। ये देखो, ये आपके सिलेबस में नहीं है, हटा दो। इसका मतलब आपके सिलेबस में है वो या तो परिमेय या तो अपरिमेय। मैक्सिमम संख्याएं क्या रहेंगी? परिमेय, जो वर्गमूल के रूप में रहेंगी वही क्या होंगी? अपरिमेय। और वर्गमूल चार ऐसा लिख के नहीं देगा आपको, क्योंकि वर्गमूल चार का वैल्यू क्या होता है? दो। वर्गमूल नौ ऐसा लिख के नहीं देगा, क्योंकि वर्गमूल नौ का वैल्यू क्या होता है? तीन। ये संख्याएं क्या है? परिमेय। ध्यान रखिएगा, वर्गमूल दो, इसका मान दशमलव में आता है, इसीलिए इसको क्या ले रहा हूं मैं? अपरिमेय। वर्गमूल तीन, वर्गमूल पांच, वर्गमूल छह, वर्गमूल सात, वर्गमूल आठ, ये सब क्या है? अपरिमेय। एक नोट करके लिख लेंगे, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसका कारण कल बताऊंगा। इसका वैल्यू कितना होता है? 22/7, 3.14, लेकिन बताऊंगा कल क्यों इसको अपरिमेय में रखा गया है। रूट में नेगेटिव रहेगा, तुलेश्वरी तो बताया था ना, काल्पनिक है वो तो। पाई एक अपरिमेय संख्या, कारण इसका कल बताऊंगा। बन जाएगा यहां तक? कोई डाउट तो नहीं है? एक भी डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा ही बेसिक से चलेगा, चिंता मत करिए हेमराज, ऐसा ही बेसिक से ही चलेगा, ऐसा नहीं कि डेमो में कुछ और चल रहा है।
डेमो के बाद कुछ और चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दशमलव संख्याएं जैसे 2.5, इसको क्या बोलेंगे बताऊंगा। ये क्या है? परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण पढ़ेंगे, कल पढ़ाऊंगा। भाज्य और अभाज्य पढ़ाने के बाद बताऊंगा इनको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या का और अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, जिसमें आएगा शांत दशमलव। दशमलव वाले को अलग से क्लासिफाई करेंगे अपन। शांत दशमलव इसी को बोलते हैं परिमित, अशांत इसी को बोलते हैं अपरिमित, अशांत में आवर्ती और अनावर्ती, रेक्यूरिंग और नॉन रेक्यूरिंग, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में रेक्यूरिंग और नॉन रेक्यूरिंग, उसको अलग से क्लासिफाई करेंगे। प्रश्न कैसे आते हैं दशमलव वाले वो कल कराऊंगा आपको। यहां तक बन जाएगा, जितना पढ़ाया हुआ आज उसमें कोई डाउट तो नहीं है। एक जीएस आप लोग बोल भी रहे थे कि जीएस साइड में चलता रहे, तो छत्तीसगढ़ को स्टार्ट करेंगे, ऋषि सर ही लेंगे छत्तीसगढ़ की क्लास, ऋषि सर ही लेंगे कल से छत्तीसगढ़ की क्लास को। तो बातचीत चल भी रही थी कि छत्तीसगढ़ जीएस कौन लेगा, तो ऋषि सर ही लेंगे कल से, तो छत्तीसगढ़ की आज स्टार्ट हो सकती है। चलिए इंग्लिश भी लगेगा, अभी लैंग्वेज लगा देंगे तो फिर आपका जीएस एक साइड से चलता रहे, हम लोग चाह रहे थे लैंग्वेज वाले में इंग्लिश लगा सकते हैं लेकिन एक साइड से जीएस चलता रहे, क्योंकि जीएस बहुत बड़ा सिलेबस है, कोई और एग्जाम अगर आता है तो आपको फायदा भी मिल जाए। आरआई मान लो आ गया, कोई और एग्जाम आ गया तो आपको जीएस में भी थोड़ी हेल्प मिल जाए, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि एक साइड से जीएस भी चालू कर दे आप लोग का, और एक साइड से जीएस पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए तैयार रहेंगे आप। जीएस में छत्तीसगढ़ शायद कल से स्टार्ट कर लेंगे, तो छत्तीसगढ़ आपका स्टार्ट हो जाएगा कल से, तो छत्तीसगढ़ मैथ्स और टीडीपी अब ये रेगुलर चलेगा, और जैसे ही सुधीर सर वापस आएंगे उसके बाद आप लोग का हिंदी भी लगेगा, चार क्लासेस चलेंगी फिर आप लोग की, ऐसा हो सकता है शेड्यूल। तो कल से आपके तीन क्लासेस रेगुलर चलेंगी, एक मैथ्स का, एक आपका टीडीपी का और एक आपका छत्तीसगढ़, ठीक है ना छत्तीसगढ़ अभी, और इसी तरह ही लेंगे क्लास छत्तीसगढ़ की। चलिए इंग्लिश का लगेगा, चिंता मत करिए, इंग्लिश भी लगेगा और कंप्यूटर भी लगेगा आगे चलकर। चलिए इंडियन जीएस भी लगेगा, अब एक बार में एक ही तो लगाएंगे ना, कितने लगा दे फैकल्टी एक साथ बताइए। तीन क्लास ही चलने दीजिए कुछ दिन अभी, और हिंदी वाले सर 6-7 दिन के बाद आ ही जाएंगे, वो अपना लगातार फिर क्लासेस लेंगे। कोई डाउट तो नहीं आज के लेक्चर में? क्वेश्चंस जितने भी कराए बन जाएंगे, वो सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए, एक एक पॉइंट आपको समझना है और ऐसा ही चलेगा, चिंता मत करिए, बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कराएंगे, जितना लिखा है सिलेबस में वो पूरा कंप्लीट होगा। और फीस वगैरह की जो बातचीत करनी है आपको मैनेजमेंट में कर लीजिए, फीस जो है वही है, और 5 महीने लगातार क्लासेस चलेंगी तो 5 महीने के हिसाब से फीस को सोचिए, ऐसा नहीं कि महीना भर का सिलेबस सही है, 5 महीने का फीस है वो, आप लोग को लग रहा है ज्यादा है कम है जो भी लग रहा हो, 5 महीने का है, सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों का मिला के है। इन बातों को थोड़ा दिमाग में रखेंगे कि 5 महीने का फीस है और सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों का मिला करके फीस है, 7,000 ऑनलाइन का है और 8,000 ऑफलाइन का जो फीस बताए हैं वो दोनों एग्जाम का मिला करके है और लगभग 5 महीने का है, 5 महीने का फीस है वो 7,000 जो भी बताए हैं आप सबको, क्योंकि 5 महीने लगभग चलेगा ये कोर्स, और आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे तब तक, पीपीटी डेली का आपको मिलेगा ही, कल का भी मिल गया होगा, कल का रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, मिल गया होगा वो डेमो क्लास में अगर आप जुड़े होंगे तो, उसमें कल का रिकॉर्डेड अपलोड कर चुके हैं, पीपीटी अपलोड कर चुके हैं, तो डेली का रिकॉर्डेड और पीपीटी आपके पास रहेगा डेली का, तो 5 महीने लगभग ये कोर्स चलेगा, 4 से 5 महीने, तो 5 महीने का मान के चलिए फीस है वो, और सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों का मिला करके बेसिक से ही पढ़ाएंगे, चिंता कहीं पे करने की आवश्यकता नहीं है आपको। चलिए अब मैं कल मिलूंगा आपसे, अभी तो शाम को ही चलेगी, आपको अगर कभी कभार दिक्कत हो रहा है आने में तो आप फिर उसको ऑनलाइन कर दीजिएगा, रिकॉर्डेड भी तो रहेगा, रिकॉर्डेड भी रहेगा, कभी कभार देख लीजिए, कभी कभार रिकॉर्डेड देख लीजिए, रिकॉर्डेड में भी तो समझ में आएगा, डाउट वाली बात ही नहीं होगी, पहले ही फैकल्टीज आपको डाउट को बता देंगे, इतना एक्सपीरियंस हो गया उनको कि आपके दिमाग में जो डाउट चल रहा है वो पहले ही क्लियर कर देंगे। रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, कभी कभार रिकॉर्डेड देख लीजिए, कभी कभार लाइव क्लास देख लीजिए आप, फिलहाल तो शाम को ही चलेगी क्लास की, ठीक है। चलिए टाइम यही रहेगा फिलहाल अभी, चलिए कल मिलते हैं, यहां तक पढ़ लेंगे आप लोग, कोई डाउट तो नहीं किसी को, चलिए कल मिलते हैं।